आज हम जानेंगे कि कैसे मैंने अभिषेक तो आज हम जानेंगे कि कैसे मैंने रामायण द पुस्तक का कैसे आप भक्तजन कैसे आप भक्त नमस्कार भक्तजनों, मैं हूं अभिषेक पाटीदार, आप सभी का अभिषेक पिक्चर्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे मैंने रामायण पुस्तक का संपादन किया था, कैसे आप भक्तजन इसे अपने चित्र में इस्तेमाल कर सकते। तो बिना किसी देरी के चलिए सीखते हैं। तो कुछ ऐसी फोटो आपको खिंचवा लेनी है, देन सबसे पहले इसको हम क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ टूल में जाएंगे। ड्रॉ टूल में जाकर इसको एक लेयर ऊपर करके फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसे क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद ये फ़ोटो कुछ ऐसी लगेगी। फिर ये वाला बैकग्राउंड आपको PNG लिंक में मिल जाएगा। सबसे पहले हम स्टिकर सेक्शन खोलेंगे। स्टिकर सेक्शन में जाके एक रॉक का PNG है वो वाला आप चूज़ कर लेना, फिर इसको अपने बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर देना। देन आप क्रॉप्ड इमेज को यहाँ पर सेट कर दीजिए। उसके लिए आपको वापस स्टिकर सेक्शन में जाना पड़ेगा और शेडो का PNG लेना पड़ेगा ताकि ये फ़ोटो के साथ ये ब्लेंड हो जाए। देन फिर जो ये टी शर्ट है इसको मैं अपनी सैंडो के साथ मैच करूँगा। आफ्टर दैट आपको फिर से एक PNG ले लेना और उसको अपनी बुक के ऊपर प्लेस कर देना और जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको रिमूव कर देना। देन अगेन आपको एक PNG ऐड कर लेना है, वो भी उसी बुक के ऊपर प्लेस करना है। एंड आफ्टर दिस ऑल प्रोसेस योर फोटो विल लुक समथिंग लाइक दिस। देन अगेन आपको एक हनुमान जी वाला PNG ऐड कर लेना है और उसको अपने फोटो के साथ ब्लेंड कर देना है। देन अगेन आपको दो PNG ले लेना है और उनको पत्थरों में प्लेस करना है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग देम लुक मोर रियल आपको जो अनवांटेड पार्ट है वो रिमूव कर देना है। अगेन फिर आप स्टिकर सेक्शन में जाकर एक शैडो उनके पांव पे प्लेस कर दीजिए। आफ्टर दैट फोटो का आउटपुट कुछ ऐसा रहेगा। फिर अगेन आपको स्टिकर सेक्शन में से बुक वाला PNG प्लेस कर देना है और जो उसका अनवांटेड पार्ट है वो आप रिमूव कर दीजिए। फिर इस फोटो में इस बुक को रियल फील देने के लिए आप इसका थोड़ा बहुत शेडो वर्क कर दीजिए। देन आपको वापस से स्टिकर सेक्शन में जाकर रॉक वाला PNG लेना पड़ेगा जो कि आप पानी पे प्लेस करेंगे। आप अपने हिसाब से इसके डुप्लीकेट्स बनाकर प्लेस कर सकते हैं। देन आपको फिर से एक PNG ऐड करना पड़ेगा और जो अनवांटेड चीजें उनको आप रिमूव कर दीजिए। देन आपको ये रामायण द एपिक वाला फॉन्ट यूज करना है। फिर आप इसको ब्लेंड करने के लिए ये थोड़े बहुत पार्ट रिमूव कर दीजिए। फिर आपको अगेन स्टिकर सेक्शन में जाकर वाइट लाइट वाला PNG यूज करना है और इसको उन सभी जगह पर प्लेस कर दीजिए जहां से ये फोटो आपको एक रियल फील दे।
तो आफ्टर दैट इस बुक को थोड़ी सी हिस्टोरिक बनाने के लिए इस पे एक PNG ऐड करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी PNG ऐड कर लीजिए, मेरे को ये वाला मिला तो मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो एट लास्ट आप इस फोटो को लाइटरूम में ले जाइए। मैंने इसकी रिटचिंग पहले से कर रखी थी, तो मैं इसकी सेटिंग्स कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फाइनल आउटपुट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।